ये लो तुम्हारे लिए नागिन के दूध की चाय। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों खुला हुआ है? क्या मैं तुमसे हर वक्त काम करवाती हूँ? क्यों? लोगों ने मुझे बदनाम करके रख दिया है। जब मुझे भूख लगती है तभी तो मैं तुमसे खाना बनवाती हूँ, और जब मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं तभी तो मैं तुमसे धुलवाती हूँ, और जब घर गंदा हो जाता है तभी तो तुमसे पोछा लगवाती हूँ। बस बस बस, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। सबको समझा समझा के मेरे सिर में दर्द हो गया है। अब मैं चाय बाद में पीऊंगी, पहले मेरा सिर दबाओ। तुम्हारी इस हरकत ने हम दोनों के बीच के फासले को और ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था। यार समझने की कोशिश करो, कार तुम चला रही थी इसलिए मजबूरी में मुझे तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना पड़ा, वरना हमारा चालान कट जाता। कट जाने देते चालान, उस ड्राइविंग लाइसेंस में मेरा फोटो देखा है, कितना खराब है। ऊपर से ब्लैक एंड व्हाइट भी, वो पुलिस वाला बेचारा क्या क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के दूंगा। ठीक है, पर अब की बार पिंक कलर का बनवाना। सुनो। हाँ? मैंने गैस पे दूध उबलने रखा है, देखे रहना कहीं निकल ना जाए। मैं जरा शुतुरमुर्ग के अंडे लेके आता हूँ। ठीक है। A few moments later. ये तुम क्या कर रही हो? मैंने सारा घर लॉक कर दिया है। क्यों? अब दूध कहीं निकल के नहीं जाएगा। ये जो तुम पूरे दिन के बाद घर पे आ रहे हो, कोई एहसास है या नहीं है तुम्हें? तुम्हें पता होना चाहिए मुझे ऊंची आवाज से सख्त नफरत है। क्या दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? आवाज नीचे। मैं जब तक जूते उतार रहा हूँ मेरे लिए कोई अच्छी सी डिश बना के लेके आओ। पर मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता। यूट्यूब देखो, किताबें खोलो, आई डोंट केयर। अच्छा ठीक है, पर ये तो बताओ तुम्हें हुआ क्या है? मेरे जिन दोस्तों को तुम आवारा निकम्मा और कामचोर समझती थी, उन्होंने दिन रात मेहनत करके मुझे जज की डिग्री दिलवाई है, और कल से मैं अदालत में बैठूंगा, एंड आई विल मेक श्योर कि कोई भी बीवी अपने हस्बैंड को नाजायज ना सताए। पर आवाज नीचे। हेलो भाई, जिससे तुम्हें जज की डिग्री दिलवाई थी 15,000 रुपए लेके, वो फ्रॉड निकला और तुम्हारे रुपए लेके भाग गया। अब अपने उन्हीं मेहनती दोस्तों को फोन करके बुला लो, क्योंकि हॉस्पिटल जाने में तुम्हें उनकी जरूरत पड़ेगी।